नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दीक्षास क्यूजीन। मुझे पता है अपना फेवरेट चॉकलेट केक को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं उससे भी अच्छा कुछ बनाने वाली हूँ जो कि ज़्यादा चॉकलेटी और टेस्टी होने वाला है। सो चलो रेसिपी देखते हैं। तो कल क्या हुआ ना, मैंने एक चॉकलेट केक बनाया था, वो आधा तो ख़त्म भी हो गया और आधा केक बच गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कोई दूसरी रेसिपी बनाया जाए। आई नो, अब आप बोलोगे कि चॉकलेट केक तो आप ऐसे ही खा सकते हो, वैसे ही इतना टेस्टी लगता है, उसे कुछ और बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ इनोवेशन तो होना चाहिए ना, कुछ अलग हमें बनाना है। तो उसके लिए मैंने उसको छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे ताकि हमें इसे हाथ से क्रम्बल करने में काफ़ी ईजी हो जाए। अब एक मिक्सिंग बोल में लेके हाथ से इसे बस थोड़ा सा चूरा जैसा कर लेना है। चॉकलेट केक की रेसिपी मैं आपको आई बटन पे दे देती हूँ, राइट साइड पे। चलो आप इसे फटाफट से क्लिक करके रेसिपी देख लो, लेकिन रुको, उससे पहले आप ये रेसिपी देख लो, ठीक है? अगर आपने मिस कर दिया हो तो वो रेसिपी जाके पहले देखो, उसको बनाओ, उसके बाद आप फिर ये केक पॉप्स बना लेना। मैंने बटरस्कॉच सिरप यूज़ किया है, आप चाहो तो हनी यूज़ कर सकते हो, दूध भी मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा। तो एक चम्मच जितना मैंने दूध डाला है और दो चम्मच जितना मैंने सिरप डाला है। इसके बदले आप चॉकलेट सिरप भी ले सकते हो, चॉकलेट सॉस भी ले सकते हो, आप सिर्फ दूध भी ले सकते हो। बस हमें लिक्विड चीज़ चाहिए और उसे ऐसे अच्छे से गूंथना है थोड़ा सा बाइंड करने के लिए। अच्छे से बाइंड कर लो इसे जब तक छोटे छोटे बॉल्स ना आपके रेडी हो जाए। जब आप ऐसे हाथ में बॉल्स बनाओ ना तो ये अच्छे से गोल बन जाने चाहिए, अलग चूरा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारे सारे केक बॉल्स बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। सारे बॉल्स बन जाने के बाद ना आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा सेट होने के लिए। नेक्स्ट मैंने व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है, इसका एक ही बार मैं लूँगी और बाकी सब मैं दूसरे रेसिपीज़ के लिए रख लेती हूँ। इसे हमें फाइनली चॉप करना है, यानी छोटा छोटा काट लेना है। जितना छोटा आप काटोगे उतनी अच्छी ये मेल्ट हो जाएगी और उतनी जल्दी मेल्ट होगी। तो इसे एक बोल में लेके मैंने माइक्रोवेव कर लिया था 45 सेकेंड्स के लिए। इसे आप डबल बॉयलर मेथड से भी पिघला सकते हो। उसके लिए आपको एक बर्तन में पानी गर्म करना होगा और उसके ऊपर दूसरे बर्तन के ऊपर आपको चॉकलेट रख के बस उसे मेल्ट होने देना है, धीमे धीमे आराम से मेल्ट हो जाएगी। पर ये माइक्रोवेव वाला मेथड ज़रा इजी रहता है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सेम तरह से मैंने डार्क चॉकलेट भी ले ली है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हो, डेरी मिल्क भी ले सकते हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए। 45 सेकेंड्स के बाद देखो अच्छे से चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। डार्क चॉकलेट भी देख लो, काफ़ी अच्छे से मेल्ट हुई है। अगर आपको लगता है कि आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही है तो 5 सेकेंड्स के लिए और आप गर्म कर लो, अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन ओवर कुक ना हो जाए उसका ध्यान रखना। चलिए थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान रेडी कर लेते हैं जिससे बच्चों को खाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। थोड़े से सिल्वर बॉल्स मैंने लिए हैं, थोड़े से स्टार शेप के मेरे पास स्प्रिंकलर्स रखे थे तो मैंने वो लिए हैं। आप अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हो, और आपके पास कुछ नई भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लेन भी बनाओगे ना सिर्फ चॉकलेट से, वो इक्वली टेस्टी और इतने ही सुंदर लगेंगे। थोड़े से मैंने वर्मेसिली मिक्स्ड लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो और टोटली आपके ऊपर है। एक टूथपिक को हमें गर्म चॉकलेट में हल्के से डिप करना है और हमने जो केक के बॉल्स बनाए थे ना उसमें इंसर्ट कर देना है। उससे क्या होगा ना, हमारा केक बॉल टूथपिक से अलग नहीं हो जाएगा जब हम उसे चॉकलेट से कोट करेंगे। एक एक करके सारे मैं इंसर्ट कर लेती हूँ। अब मैं फर्स्ट केक को चॉकलेट में डिप करती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं चम्मच से कोट करूँगी ताकि हर जगह अच्छे से कोट हो जाए। बस इसे 5 से 10 सेकंड के लिए आप हाथ में रखो ताकि ये चॉकलेट सेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम लोग इस पर स्प्रिंकलर्स लगा देंगे। देखो कितने सुंदर लग रहा है। सेम मेथड से मैं दूसरा भी बॉल अपना कोट कर लेती हूँ। आप अपने अलग अलग आइडिया ट्राई कर सकते हो, आपको जो भी इनोवेशन आपको मिलता हो। इसमें मैंने स्प्रिंकलर्स ऐड किए हैं, थोड़े से बॉल्स भी ऐड किए हैं मैंने। नेक्स्ट मैं इसे वाइट चॉकलेट में कोट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उसके ऊपर डार्क चॉकलेट ड्रिजल कर दिया था, एंड दैट्स इट। देखो हमारा अच्छे से डिज़ाइन रेडी है। सेम मेथड से मैंने अपने सारे अलग अलग बॉल्स को रेडी कर लिया है। इसमें मैंने थोड़े से वर्मेसिली सेव स्प्रिंकल किए हैं। आप मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है ये? ये वाला है ना, मुझे बहुत ही पसंद है, मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसे मैं ही खाऊंगी। चॉकलेट में डिप करने के बाद इसे गोल गोल अच्छे से घुमाना जैसे हमारी सरकार हमें घुमाती है।
इससे क्या होगा ना, चॉकलेट हर जगह पे स्प्रेड होगी अच्छे से। आप चाहो तो ऐसे टूथपिक से अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो, बस ऊपर घुमा देना है टूथपिक रैंडमली, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाएगा। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो मेरा अभी तक, मुझे कमेंट करके बताओ। चलो फूडी शॉट्स देखते हैं। बिलीव मी, ये देखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, खाने में उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप बताओ मुझे आपको ये कैसा लगा, आप ट्राई करोगे या नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।